नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी को 50 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट डिंपल कपड़िया कास्ट की गई थी। हालांकि राज कपूर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ऋषि के अपोजिट नीतू सिंह काम करना चाहती थी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। फिल्म एनालिस्ट दिलीप ठाकुर ने बताया कि नीतू सिंह की मां चाहती थी कि फिल्म बॉबी में उनकी बेटी लीड रोल में दिखे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर नीतू सिंह को कास्ट करना नहीं चाहते थे। इसकी वजह थी कि नीतू ने इससे पहले फिल्म दो कलिया जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। राज कपूर फिल्म के लिए एक फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। इस वक्त हर इंसान के मन में यही सवाल था कि ऋषि कपूर के अपोजिट किसे कास्ट किया जाएगा। डिंपल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया की भी इच्छा थी कि उनकी बेटी राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बने। इसके लिए उन्होंने बेटी डिंपल से कहा कि वो राज कपूर के सामने फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दे। पिता की बात मानकर डिंपल ने आरके स्टूडियो में टेस्ट दिया। यह वो शॉट था जहां वह एक सीढ़ी से उतरती है और ऋषि कपूर को गले लगाती है। डिंपल ने इस शॉट को बखूबी प्ले किया और सिलेक्ट हो गई। म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पता ही नहीं था कि फिल्म में बॉबी का रोल ऋषि का है या डिंपल का। ये ऋषि की डेब्यू फिल्म थी, इसी कारण सबको लगता था कि उनके ही किरदार का नाम बॉबी होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर अपनी फिल्मों के स्टोरी लाइन वुमन सेंट्रिक रखते थे, चाहे वो फिल्म प्रेम रो, हिना, सत्यम शिवम सुंदरम या राम तेरी गंगा मेरी हो। लोग अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर का सिनेमा बदल गया था और उन्होंने अधिकतर महिला प्रधान विषयों पर फिल्में बनाई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।